हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में। ये मेनली एक ओल्ड एज डिजीज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि ये सिर्फ एक ओल्ड एज डिजीज क्यों नहीं है, क्यों हम लोगों को भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आप अपने अर्ली थर्टीज में भी हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप इसे पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को इससे पूरी तरीके से क्योर कर लेंगे। अगर एक बार हो गई है तो इट विल ग्रो विद टाइम, ग्रो विद एज। सो लेट्स डिस्कस इस डिजीज के होने के कारण क्या होते हैं और ये किस तरीके से एज के साथ बढ़ता चला जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज है क्या। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, यानी ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो न्यूरॉन्स से रिलेटेड है। और इसकी वजह से क्या होता है, विथ टाइम जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस करता है तो ब्रेन का साइज़ जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं। दैट इज़ श्रिंकेज ऑफ ब्रेन साइज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रोफी। तो ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो विथ एज और ज़्यादा प्रोग्रेस होता जाता है। ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो मेन रीज़न है डिमेंशिया का। डिमेंशिया क्या होता है, भूलने की बीमारी जिसको हम मेनली बोलते हैं। में क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन होता है थिंकिंग में, बिहेवियरल स्किल्स में, जो हमारे सोशल स्किल्स हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है उसकी एबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल, उनको ये याद नहीं रहता कि उन्होंने वो चाबी कहाँ रखी, उनको ये याद नहीं रहता कि उन्होंने कोई सामान कहाँ रखा। कभी वो सामान फ्रिज में रख देते हैं, कभी वो सामान पॉकेट में लेके उसको ढूंढते हैं। तो ये कोई वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, वो उनके साथ होता जाता है। इसको डिस्कवर किया था मेनली 1906 में एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोएनाटॉमिस्ट थे, उनका नाम था एलोइस अल्जाइमर, और उन्हीं के नाम पे ये डिजीज का नाम दिया गया, अल्जाइमर्स डिजीज। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये सभी के लिए है, सो दैट लोगों को समझ में आए कि ये डिजीज से हम कैसे थोड़ा बहुत खुद को बचा सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है अपने अर्ली थर्टीज में भी। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने बड़ा ही सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया है, बेसिक कंपैरिजन न्यूरॉन का। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा कि न्यूरॉन जो होते हैं वो बेसिकली कुछ सिंपल, ऐसे अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइट। जिसमें क्या होता है, ये जो होती है ये सेल बॉडी होती है और यहाँ पे इनका एक न्यूक्लियस होता है और इधर होते हैं यहाँ पे इनके डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं यही क्या करते हैं, फिर ये नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसके साथ यहाँ से ये कनेक्टेड होते हैं, यही होता है। तो ये जो है ये यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल इस एग्जॉन नॉब के साथ नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसका अगर डेंड्राइट लगा हुआ है और ये यहाँ पे इसकी सेल बॉडी है, तो दैट मीन्स कि ये क्या बना रहा है यहाँ पे, दिस विल बी कॉल्ड एज साइनैप्स, यही होता था। तो मेनली ये जो स्ट्रक्चर है ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और ये एक नॉर्मल ब्रेन है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये अल्जाइमर डिजीज है। यहाँ पे आपको अमाइलॉइड प्लाक दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी सारे बन जाते हैं यहाँ पे। ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी के अंदर भी आप देखें यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। तो ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स भी क्यों बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो दो न्यूरॉन्स जहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेनली साइनैप्स, क्लियर। अब ये जो साइनैप्स होते हैं जनरल में भी क्या होता है, जनरली जो होता है अमाइलॉइड बीटा नाम का एक प्रोटीन हमेशा ये रिलीज करते होते हैं। प्रोटीन का नाम होता है अमाइलॉइड बीटा, ठीक है। ये जो अमाइलॉइड बीटा है ये जनरल जो ब्रेन है साइनैप्स है ये अपने कम्युनिकेशन के टाइम पे प्रोड्यूस करते रहते हैं, बट उनसे बचने के लिए, उनको क्लीन आउट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोग्लाया सेल्स। तो ये जो माइक्रोग्लाया सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपका जो अमाइलॉइड बीटा है इसको एलिमिनेट करते रहते हैं, ये इसको वाइप ऑफ कर देते हैं। दे आर वर्किंग एज अ जेनेटर्स ऑफ योर ब्रेन सेल्स, राइट। तो ये वहाँ पे क्लीनिंग का काम करते हैं माइक्रोग्लाया सेल्स। लेकिन फिर टाइम क्या होता है, कुछ लोगों जो जिनमें अल्जाइमर्स शुरू होते उसमें क्या होता है, ये जो अमाइलॉइड बीटा या बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन होता है ये जो है ये अमाइलॉइड बीटा बहुत ज्यादा एक जगह पे स्टोर होने लग जाता है। ये जो अमाइलॉइड बीटा है ये क्या होगा, ये और ज्यादा बनने लग जाएगा जब अल्जाइमर्स डिजीज होनी शुरू होती है उस टाइम पे। अब यहां पे क्या होता है, ये जो माइक्रोग्लाया सेल्स थे हमारे वो क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। अब बेचारे माइक्रोग्लाया सेल्स के वश की बात नहीं रही,
तो वो गिव अप कर देते हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई इतना सारा तो हम नहीं क्लीन कर पाएंगे, और जब ये नहीं क्लीन कर पाते तो क्या होते हैं, ये जो अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होने लगते हैं, एक चिपचिपा सा स्टफ़ बना देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्लाक बना देते हैं। तो ये जो प्लाक बनाते हैं इसकी वजह से क्या होता है, ये ब्रेन में कहीं कहीं पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और अब क्या होगा वो देखते हैं। फिर आते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। ये जो है ये एक नॉर्मल ब्रेन है, उसका न्यूरॉन है, उसमें देखो हम लोगों ने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, दैट इज एग्जॉन जो है उसका क्रॉस सेक्शन लिया है। अब जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं ऑब्वियसली एग्जॉन्स के पूरे थ्रू आउट द एग्जॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है, प्रोटीन का नाम होता है टॉ, TAU, टॉ प्रोटीन। तो ये जो टॉ प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनको इन्होंने क्या किया हुआ है, एक शेप में रखा हुआ है, स्टेबिलाइज करके रखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर के टाइम पे क्या होता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका शेप चेंज होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि समहाउ टॉ प्रोटीन जो होता है, जिसका कि रीज़न हमें आज तक नहीं पता, टॉ प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इससे हट जाते हैं और आपस में टैंगल बना देते हैं। तो ये यहाँ से निकल के एक दूसरे के साथ स्टिक करने लगते हैं और ये टैंगल ऑफ टॉ प्रोटीन्स बनाते हैं, और यही टैंगल्स जो होते हैं फिर ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो न्यूरॉन है यहाँ पे हमको दिखाई देता है न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। तो जिसकी वजह से ये ब्रेन जो है, ये अल्जाइमर जो है, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा इंसान की, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स जो हैं ये भी बढ़ते जाते हैं। तो बेसिक बात यहाँ पे ये है कि ये जो टॉप प्रोटीन्स हैं ये बड़े वियर्ड हैं, ये सिर्फ उस न्यूरॉन को नहीं खराब करते जहाँ पे ये डिजीज हुई है, ये उस न्यूरॉन को भी खराब करते हैं जो क्लीन था, जो क्लियर था, वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, ये उनको इन्फेक्ट करते जाते हैं, इन्फेक्ट करते जाते हैं। तो ये जो टॉप प्रोटीन है ये एक बड़ा ही मेजर सा रोल प्ले कर रहे हैं जिस टाइम पे ये अल्जाइमर डिजीज़ हो रही है। तो अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम इस डिज़ीज़ से खुद को फिर भी बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम समझा दूं। यहाँ पे आप देखो ये वाला जो साइड है वो यहाँ पे कॉर्टेक्स क्या दिख रहे हैं, काफ़ी सही है, सेल्साए जो हैं वो भी काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल का साइज़ भी छोटा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये वाला जो साइड है, इस वाले साइड में क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल्स हैं इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गया है। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है उसको देखो आप, ये भी श्रिंक हो गया है। हिपोकैम्पस जो है वो भी श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे हिपोकैम्पस के बारे में। तो आपको क्या लगता है कौन सा ब्रेन इसमें नॉर्मल है और कौन सा ब्रेन अल्जाइमर डिजीज वाला है? मेनली दिस साइड इज फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन, ये नॉर्मल ब्रेन है जिसमें क्या है, यहाँ पे सल्साए, कॉर्टेक्स, एवरीथिंग इज एट देयर ओन प्लेस। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में यहाँ पे ब्रेन क्यों श्रिंक करने लग जाएगा, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज कम मिलना शुरू हो जाता है, साइनेप्सिस ठीक से काम नहीं कर रहे, साइनेप्सिस के बीच में जो जगह थी वो क्लीन नहीं है, वहाँ पे अमाइलॉइड बीटा आपस में जुड़ जुड़ के वहाँ पे पड़े हुए प्लाक के फॉर्म में, इस वजह से उनके पास वहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं चल रहा, इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेन का साइज जो है वो श्रिंक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको ग्लूकोज ठीक से नहीं मिल रहा। ग्लूकोज हमको पता है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमन के ब्रेन का क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज। तो ह्यूमन ब्रेन को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा सिरदर्द होने लगता है, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो ग्लूकोज पे ही सर्वाइव करता है। लाइकवाइज जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ाई के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, पानी पीजिए, कुछ कुछ छोटा मोटा खाते रहिए, स्नैक्स खाते रहिए। तो उससे क्या होता है, आप ग्रैप्स करने की कैपेसिटी आपकी इनहेंस होती है, आपके साइनेप्सिस अच्छे तरीके से काम करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ब्रेन एंड द अल्जाइमर्स ब्रेन। अब यहाँ पे आप देखो मैंने क्या बोला, हिपोकैम्पस का जो साइज है ये यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है इन केस ऑफ अल्जाइमर्स। बस एक ऐसा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का जो हमारी बहुत सारी कॉग्निटिव, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, हमारे सोशल बिहेवियर, हमारी न्यू लर्निंग एबिलिटीज सभी के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, अगर आप अपनी अर्ली थर्टीज में हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मेक श्योर कि आपका स्लीप वेक साइकिल बहुत अच्छा हो, आप सही टाइम पे या कम से कम सही ड्यूरेशन के लिए सोएं, क्योंकि जब आप सोते हैं तो जो हमने जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जो साइनेप्सिस होते हैं ना, ये जो साइनेप्सिस बने हुए हैं ब्रेन के, और यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं। तो माइक्रोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा अमाइलॉइड बीटा जो होता है उसको क्लीन आउट करते हैं, प्लस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो ब्रेन में अच्छी तरीके से फैलता है, इसकी वजह से क्या होगा, क्लीनिंग ब्रेन की अच्छी होती है। क्लियर? इसलिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज,
से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अब अल्जाइमर प्रोग्रेस होना शुरू हो गया, आपको अपने 40s 50s तक पता भी नहीं चलेगा कि आपको अल्जाइमर है, बिकॉज नॉर्मली भी हम चाबी रख के भूल जाते हैं, इट्स नो बिग डील। तो बेसिकली जैसे आप अपने ब्रेन को चैलेंजेस दे सकते हैं हिपोकैम्पस को हैप्पी रखने के लिए, आई मीन टू से कि हैप्पी हिपोकैम्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन को चैलेंज कर सकते हैं। किस तरह का चैलेंज देंगे आप अपने ब्रेन को? आप अलग अलग स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे कि आप नई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप नई तरह की डांस सीख सकते हैं, आप नई तरह की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपने नॉन डोमिनेंट जो हैंड है उससे आप ज़्यादा काम कीजिए, आपका हिपोकैम्पस जो है वो हैप्पी रहेगा। हिपोकैम्पस के हैप्पी रहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि जब आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो साइनेप्सिस है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, हमारे पास बेस्ट पार्ट ये कि ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस है हमारे पास। तो अगर हम अपने साइनेप्सिस को हैप्पी रखेंगे, हम नए साइनेप्सिस अगर रोज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इस तरह की डिजीजेज से बच सकते हैं। इसलिए बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर नहीं होता, वो बीमारी का भी घर होता है। इसलिए आपको अपने दिमाग को क्लीन रखना चाहिए। कैसे? आप पॉजिटिव थिंकिंग्स रखिए, आप नई नई चीज़ें सीखिए, नए स्किल्स सीखिए, नई लैंग्वेज सीखिए, नई डांस सीखिए, आप कुछ वैसी चीज़ें कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं की है। तो उससे आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हैं और आपका ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा हैप्पी रहता है। तो वैसे लोग जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक पढ़ते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने पीएचडी की, तो हमने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई की, तो ऐसा माना जाता है, साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट्स है कि ऐसे लोगों का जो साइनैप्स होता है उसका नंबर ऑब्वियसली उन लोगों से ज़्यादा होता है जो लोग अपने ब्रेन को चैलेंज कम करते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है, आपको अगर इस तरह की बीमारियों से खुद को बचा के रखना है, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, तो डू शेयर माई कॉन्टेंट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।